हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। आज मैं ग्रो करने जा रही हूँ कॉक्सकॉम के सीड्स। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। ये मिक्स वैरायटी है, मैंने इसको पहले भी एक बार ग्रो किया हुआ है और मेरे गार्डन में ये ग्रो हुए थे। और इसके जो फूल है वो भी निकले थे अलग अलग कलर के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने के कारण बाद में ये ख़त्म हो गए थे। तो बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स पर ही इसमें फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए, आज आप लोग भी अगर नहीं ग्रो किए हैं तो मेरे साथ कीजिए। तो समर का प्लांट होता है ये, बहुत ही खूबसूरत। और इसमें देखिए इतने सारे कलर हैं। जब मैंने लास्ट टाइम लगाया था उसमें वाइट कलर भी था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं इसको लगाऊंगी ये वाले पॉट में, ये शैलो पॉट है जिसमें अजवाइन का प्लांट लगा हुआ है, ऑर्नामेंटल अजवाइन। जैसे सर्दियों में इसके जो लीव्स हैं झड़ जाते हैं, तो अभी इस पर ग्रोथ स्टार्ट लगभग ना के बराबर है, तो मैं इसी में ग्रो करूंगी। क्योंकि ये ऐसे ही प्लांटर जो है पड़ा हुआ है, तो जब तक उसकी ग्रोथ होगी हमारे जो सीड्स हैं वो भी ग्रो हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मिट्टी मैंने सॉफ्ट कर ली है। इस तरह के इसके सीड्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जिस तरह से विनका के सीड होते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए कोकोपीट में इनको मिक्स कर लिया है दोनों को आपस में। देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे सीड्स। तो अब मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और इस पर हल्की तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर कोकोपीट डाल दिया और हल्का हल्का ऊपर से स्प्रे कर दूंगी, क्योंकि जो मिट्टी थी ऑलरेडी गीली थी, मैंने रात को ही वाटरिंग की थी इसमें। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।